अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ओलीगो सेक्राइट्स देखो बेटा ओलीगो का मतलब होता है फ्यू ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था ओलीगो का मतलब होता है फ्यू और सेक्राइड यानी बेसिकली जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनोसेक्राइड अ सिंगल यूनिट ऑफ सैक्राइट सिंगल यूनिट ऑफ शुगर सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो उन मोनोसेक्राइट्स से मिलकर हमारे पास ओलीगो मिलता बनता है फ्यू का मतलब वी कैन जो काउंटेबल हो तो हम कहते हैं कि भाई कम से कम जो है दो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दस कम से कम दो से लेकर दस तक जो है हमारे पास अगर मोनोसेक्राइट्स से, से मिलकर अगर कोई नया मॉलिक्यूल बनता है तो वो लीगो कहलाता है अब अगर दो है तो फिर वो डाई कहलाता है इसी तरह से तीन है तो वो ट्राई कहलाता है चार है तो टेट्रासेड्स कहलाता है ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाई ओलीगो सेक्राइड भी सोलियबल होता है बट इसकी सोलिबिलिटी मोनोसेक्राइड के मुकाबले में कम होती है और इसी तरह से जो है इसकी सॉलीबलिटी कम होती है और फिर जो है ये जो जोगोसेक्राइड है ये इसकी इसका टेस्ट भी फिर एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा इसका हर मतलब ये नहीं ये स्वीट नहीं होता स्वीट होता है बिल्कुल होता है लेकिन मोनोसेकराइड के मुकाबले में थोड़ी सी कम हो जाती है स्वीटनेस आ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डाइसेकराइड्स को डाइसेकराइड्स के अंदर हमारे पास जो है ना तीन एग्जाम्पल है कौन कौन सी सक्रोस की माल्टोस की एंड लैक्टोस की तो इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अच्छा बेटा डाई का हमारे पास जो फार्मूला होता है आपको पता है कि भाई डाई दो दोनो कौन से डाई सेक्राइड के सही सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये दोनों मिलेंगे और ऑब्वियसली आपको पता है कंडेंसेशन होगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमारे पास क्या बनेगा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू एंड ओ इलेवन ये नंबर्स कम क्यों हैं यहाँ पर ट्वेंटी फोर क्यों नहीं क्योंकि वाटर में रिलीज़ हो चुका है सही है अच्छा जी अब ये स्ट्रक्चरली कैसे बनता है सबसे पहले हम देखते हैं सकरोज को सकरोज का आपको पता है कि सकरोज को हम केन शुगर कहते हैं सही फ्रक्टोज को भी केन शुगर कहते हैं और या फिर हम आ, इसको जो है ना टेबल शुगर भी कहते हैं सक्रोज की बात कर रहा हूँ टेबल शुगर इसलिए कहते हैं कि भाई क्योंकि हम जो है जो कॉमनली जो शुगर यूज़ करते हैं उसके अंदर वो हमारे पास सकर्रोज ही होता है ये सक्रोज हमारे पास शुगर केन में एप्पल में पाइन में तमाम फ्रूट्स के अंदर जो है ना ये आ, एक कंसिडरेबल अमाउंट में ये मौजूद होता है सक्रोज बनता कैसे सक्रोज बनता है बेटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंडेंस होते हैं तो ये तो यहाँ पे मैंने बेटा ये दिखाया है स्ट्रक्चर ये मेरे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फा ग्लूकोज का आपको बताया था अल्फा और बीटा कब होंगे ये देखो ओ जो है नीचे लगा हुआ है तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज़ है और ये जो दिखाया है ये वाला ये है आ, बीटा फ्रक्टोज का तो अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में आ, होगी कंडेंसेशन कैसे देखो बेटा सिंपल है इसका जो ओ है सही है इसका जो ओ है ये रिलीज़ होगा और यहाँ से एच रिलीज होगा और इन दोनों के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा कैसे बनेगा मैं आपको ये सिंपल से दिखाता हूँ ये देखो भाई ये हमारे पास इसकी मैंने कॉपी कर लिया ताकि आपको समझा सकूँ देखो भाई अब हुआ कुछ यूँ कि वाट इन दोनों ये रिएक्शन होता है इसका ओ एच निकलेगा स्केच निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा अब यहाँ से जो है इसका ओ एच निकल चुका है यहाँ से इसका एच निकल चुका है तो क्या होगा इन दोनों के दरमियान इसके इसका ओ जो है वो इसके साथ बना लेगा बॉन्ड यानी ये ऑक्सीजन ने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया तो ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड है हम इसको कहते हैं ग्लाइको सिडिक लिंकेज अच्छा अब इस लिंकेज का नाम कैसे देंगे बेटा अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है ना ग्लूकोज के कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड ये कार्बन नंबर सिक्स होता है छे कार्बन होते हैं और ये फैक्टोस के अंदर हमारे पास क्या है फैक्टोस के अंदर ये वन है ये टू है थ्री फोर फाइफ सही है और ये सिक्स छः कार्बन यहाँ पर होते हैं अब बेटा बॉन्ड किसके दरमियान दरम्यान कार्बन नंबर टू पर जो ये क्योंकि आपको पता है ना कि रिंग जो बनती है वो टू से फिफ्थ के दरमियान बनती है ये टू है ये फिफ्थ है अब बाकी और बाकी फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन रिंग से बाहर होते हैं अच्छा जी तो अब बेटा यहाँ पर जो है ये हमारे पास टूप पे ये हमारे पास जो लगा था ये इसने बना लिया बॉन्ड तो ये बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अच्छा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज़ हुआ है वन अच्छा आपको पता है कि वन पे ही हम देखते हैं कि इधर ये अल्फ़ा है या बीटा है तो हम ये ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज था अल्फा ग्लूकोज था तो हम इसको नाम देंगे अल्फा पे ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर टू एल्फा वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सही है अब अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फ्रक्टोज का भी तो बीटा है इसको क्यों नहीं लिखा देखो तो बीटा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे जो कार्बन नंबर वन यू यू जो यूज़ हुआ है वो ग्लूकोज का यूज़ हुआ है तो हम सिर्फ आ, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नंबर वन हो तो ये हमारे पास था आ, सक्रोस सही है सक्रोस के बाद जो अगला है हमारे पास वो है माल्टोस माल्टोस की बात करेंगे फिर लकटोस की बात करेंगे देखो बेटा माल्टोज में भी कुछ इसी तरह से होता है आपको माल्ट के बारे में पता है कि भाई माल्टोज जो है वो कहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है ये यूजुअली हमारे पास और ये फूड रिजर्व होता है ग्लूकोज का एक बहुत जो है ना वी कैन से क्योंकि सिर्फ इसमें ग्लूकोज के, इस के दरमिया ही बनता है ना यानी माल्टोज कैसे बनेगा दो ग्लूकोज से मिल बनता है तो माल्टोस से हमें ग्लूकोज़ आसानी से मिल सकता है तो ये ब्रूविंग इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ किया जाता है जिसमें से अमाइलेस को यूज़ करके आ, हम माल्ट प्रोड्यूस करते हैं और, मा, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है माल्टिंग का सही और फिर उसके बाद हमें ग्लूकोज़ भी इससे बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है अच्छा जी अब ये मेरे पास ये जो दो ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल हैं ये मेरे पास है अल्फा ग्लूकोज सही है अल्फा ग्लूकोज़ ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज़ है मेरे पास अब देखो ये कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसका भी साथ भी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब क्या होगा बेटा ये बॉन्ड कैसे बनेगा इसका ओ निकलेगा और इसका एच निकलेगा और इसके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड कैसे ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई देखो ये हम हाँ, मैंने इसको जो है अब क्या होगा देखो यहाँ से इसका ओ एच निकल गया और इसका ओ निकल गया अब इन दोनों के दरमियान इसका जो ओ अटैच था ये ओ इसके साथ बना लेगा बॉन्ड ये बन गया माल्टोस सही है एक वाटर का मॉलिक्यूल एक से ओ OH एच निकला एक से एच निकला तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया अब इस बॉन्ड को क्या कहेंगे ये कहलाएगा ग्लूकोज कौन सा था एल्फा था एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सही है ये हमारे पास होता है माल्टोस सेम इसी तरह से लैक्टोज की बात करते हैं लैक्टोज जो है बेसिकली इसको मिल्क शुगर कहा जाता है और लैक्टोज मिलता है बेटा लैक्टोज जो है हमारे पास ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज से मिल बनता है सही है एक मैंने गैलेक्टोज शो कराया और एक मैंने ग्लूकोज शो कराया ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एल्डोज शो कर एल्डो हैक्जोज़ हैं फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कार्बन नंबर फ़ोर पर गैलेक्टोज के अंदर ये ओ ऊपर लगा हुआ होता है और ग्लूकोज़ के अंदर ये ओ नीचे लगा हुआ होता है बस सिर्फ ये फ़र्क है दोनों के अंदर बाकी सब कुछ सेम है सही है अब क्या होता है बेटा ये हमारे पास मिल्क शुगर कहलाता है काओ के मिल्क में जो है ना लैक्टोज फोर टू सिक्स परसेंट होता है ये याद रखना है एम सी में पूछा भी गया था और ह्यूमन मिल्क के अंदर इसकी तादाद तकरीबन फ़ाइव टू एट परसेंट होती है और इसके अलावा बेटा ये इसके लैकटोस से बाई प्रोडक्ट से फिर चीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं मैनुफेक्चरिंग के लिए यूज़ होता है अच्छा भाई अब ये भी उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी बॉन्ड बिल्कुल उसी तरह से बनेगा यानी मैं आपको दिखा देता हूँ देखो भाई यहाँ पे भी बॉन्डिंग यानी एक का ओ एच और एक का एच रिलीज़ होगा बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने माल्टोज में पढ़ा सही है एक तरफ से ओ एच निकलेगा ये देखो एक तरफ से ओ एच निकलेगा और एक तरफ से एच निकलेगा सही है आ, अब ये जब यहाँ से निकलेगा ये यहाँ से रिलीज़ होगा अब देखो बीटा हमारे पास गैलेक्टो ग्लूकोज अच्छा मैंने यहाँ पे भी इसको जो है ना अल्फा दिखा दिया सॉरी फॉर देट ये ऐसे होगा हाँ अल्फा ग्लूकोज़ है सॉरी बीटा ग्लूकोज़ है और बीटा गैलेक्टोज है तो अब ये इसका गैलेक्टोज से ओ निकलेगा और यहाँ ग्लूकोज से एच निकलेगा सही है और फिर उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और अब जो है यहाँ से क्या होगा एच एस का निकल गया और ये एच का निकल गया और इनके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड इस तरीके से ये ये बन गया बॉन्ड दिस इज कॉल्ड ये कार्बन नंबर बीटा वन फोर ग्लाइको सिडेक लिंक है सॉरी फॉर माई राइटिंग अच्छा बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी दिस इज़ ऑल अबाउट होलीगो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बॉली को डिस्कस करेंगे थैंक यू सो